भारतवासियों ने आजादी के अमृतकाल यानी आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण का विराट संकल्प लिया है। विकसित भारत के इस रोडमैप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। ऑरेंज गेट मुंबई के ईस्टर्न फ्रीवे के एक छोर से लेकर क्रॉफर्ड मार्केट से मरीन ड्राइव तक के इलाके का ट्रैफिक जैम हमेशा से ही चर्चा का विषय बना रहा है, लेकिन इस असंभव से लगने वाली चुनौती से निपटना और इससे बाहर निकलने का रास्ता खोज पाना सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण संभव हो पाया है। ईस्टर्न फ्रीवे और मरीन ड्राइव पर कोस्टल रोड को जोड़ने वाली 9.2 किलोमीटर लंबी भूमिगत सड़क और आने जाने के लिए 3.2 किलोमीटर लंबी और 11 मीटर चौड़ाई वाली दो सुरंगों का निर्माण करने का संकल्प लिया है। ये सड़क आपातकालीन लेन के साथ 3 लेन की होगी और इस पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चल सकेंगे। इस प्रोजेक्ट का कुल बजट लगभग 9,100 करोड़ रुपए है। पी डिमेलो रोड के साथ साथ चर्च गेट, कोलाबा, नरीमन पॉइंट, मरीन ड्राइव पर होने वाले ट्रैफिक जाम से राहत मिलना तय है। महाराष्ट्र के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस तथा उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जी के मार्गदर्शन में मूर्त रूप लेने वाली इस परियोजना का भूमि पूजन भारत को विकास का रास्ता दिखाने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा किया जा रहा है। यह भूमिगत सड़क 2026 के अंत तक जनता के इस्तेमाल के लिए तैयार रखने की योजना है और ऑरेंज गेट और नरीमन पॉइंट के बीच यात्रा का समय केवल और केवल 5 मिनट होने की निश्चिति है। इस परियोजना के कारण चेंबूर से नरीमन पॉइंट की दूरी लगभग 30 से 35 मिनट में तय कर ली जाएगी। इसी के चलते न केवल यात्रा का समय पर ईंधन, मनुष्यों की क्षमता का व्यय भी कम होगा और ध्वनि और वायु प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। मुंबई बदल रही है, महाराष्ट्र बदल रहा है।